दोस्तों हमारे साथ है आज KGF 2 प्रयागराज की अटाला की टीम है, काफी प्यारी टीम है और ये सब देखिए यंगस्टर आप देख सकते हैं आज आए हैं प्रयागराज अरैल मैदान में शौक करने हमारे को आप किंग काइट क्लब से। ये देखिए किंग काइट क्लब जिसे आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छी टीम है, इनसे हमने भी लड़ा और ये हमारे जितेंद्र भाई है और आप अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे दीजिए। आसिफ भाई वाइस कप्तान और ये है KGF 2 की टीम। तो आप में कप्तान कौन है भाई? सलमान भाई। ये सलमान भाई है, ये है कप्तान भाई। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी टीम से आपने मैच तय किया। और वाइस कैप्टन कौन है आपका, क्या नाम भाई? हमजा। हमजा भाई और ये आपके सब टीम मेंबर। भाई अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। नाम बता दीजिए। मोहम्मद सैफ। आप भाई? अरसलान। आप भाई? मोहम्मद मसरूर। और जो भाई सामने पेश कर रहे हैं उनका क्या नाम है? आमिर है और एक अफसर है, उनका नाम अफसर है। कुल मिला के 7-8 मेंबर हैं आप लोग। अच्छा तो भाई सबसे पहले जानना चाहेंगे आप मांझा कौन सा यूज करते हैं? गोल्डन ईगल है। गोल्डन ईगल दिखाइए जरा, ये है गोल्डन ईगल। ये देखिए जैसा कि ये है मनीष भाई का ब्लॉग है, ये देखिए मनीष भाई का ब्लॉग जो है हर बैगों में मिलता है, बहुत प्यारा लगता है। भाई ये बताइए इस मांझे की खासियत क्या है, हालांकि सब जानते हैं लेकिन हम आपकी जवाब सुनना चाहते हैं। ये मांझे की ये खासियत है, ये आप किसी भी तरह से पेच लड़ा सकते हैं, फंसा करके भी लड़ा सकते हैं और खींच करके भी लड़ा सकते हैं। खींच के भी लड़ा सकते हैं, हर पैटर्न पे लड़ता है। और जहां तक मुझे इसका अंदाजा ये अंडर 2000 है, 2000 के अंदर का मांझा, सॉरी 2000 के अंदर का मांझा ये, ठीक है। और ये एक रील लड़ चुका है, देखिए 11 आपको दिख रहा होगा, दिखा दीजिए, एक रील लड़ चुका है और बहुत ही प्यारा मांझा। और दूसरा मांझा कौन सा आता है? और तो गॉड जिला। गॉड जिला, अरे बाप रे, नाम ही खतरनाक है। गॉड जिला एस अहमद, ये क्या है? एस से ही है जी? नहीं, इनका फुल फॉर्म क्या होगा? एस से कुछ आइडिया? एस अहमद, ये इनका नहीं पता है। अच्छा, फिलहाल ये काफी टाइम से हम लोग भी लड़ा रहे हैं। अच्छा जी, आदमखोर का ही मतलब ब्लॉक है ये भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या प्राइस होगी भैया मांझा? ये 1800 रुपए तक, अंडर 2000। 1800 रुपए का मांझा है? अरे यार बड़ा प्यारा मांझा है ये भी। ये भी उतर, अगर आप प्राइस ना बताते तो हम इसको 2200-2300 के लगभग बताते, लेकिन आपने बताया 1800 रुपए का, बड़ा ही प्यारा मांझा है। ये कहाँ से लिया भैया परचेस? मनीष भाई, मनोज भाई, दोनों मनीष भाई, मनोज भाई। तो दोस्तों ये मांझा भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए आज एक नया हाथ लगा है मांझा गॉडज़िला। ये मनीष भैया या मनोज भैया के आपको मिल जाएगा, भाई बता रहे 1800-1850। रेट ऊपर नीचे हो सकते क्योंकि आपने बहुत पहले परचेस किया था, तो रेट ऊपर नीचे हो सकते, तो रेट की शिकायत इस दुकान में मत करिएगा, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब भाई तीसरा दिखा दीजिए, ब्लैकस्टोन खलीफा जी। जी हमारा सबसे फेवरेट है ये। ये आपका फेवरेट, ये ऑल टाइम सबका फेवरेट है, ये मेरा भी फेवरेट। हाँ ऑल टाइम, ये देखिए खलीफा जी का ब्लैक स्टोन आ गया, ये देखिए सस्ते में सबसे अच्छा मांझा वाकई में। ये भी हर पैटर्न लड़ता है, गोल धार पे मांझा है ये, और इतने कम रेंज में मांझे में गोल धार सिर्फ खलीफा जी ही देते हैं। तो आप अगर लंबी रेंज लड़ाते हैं तो प्लीज इस मांझे को जरूर ट्राई करिएगा, 1700-1750 की रेंज में ही मांझा आता है। और कोई चौथा भाई? ये भाई लिया, एक ही है लिया का था, लायक अली। लायक अली, ये देखिए लायक अली है, ये हमारे टीम के मेंबर हैं विजय भाई, वो इस मांझे को लड़ाते हैं। लायक अली काफी फेवरेट उनका मांझा है, ये भी 1700-1800 की रेंज का मांझा है। ये देखिए लायक अली, ये भी बहुत प्यारा मांझा लड़ता है, बड़ी खड़ी धार रखी गई है इसमें, मतलब खींच के लिए बहुत प्यारा मांझा है। जैसे कि विजय भाई हमारी टीम में खींच के लड़ाते हैं, तो ये जो खींचतान का प्लेयर है वो जरूर इसको एक बार ट्राई करिए, ये भी 1700-1800 के सेगमेंट में आता है। भाई कुछ आप अपने पतंग का अच्छा कलेक्शन मुझे कुछ दिखा दीजिए जो सेलेक्टिव हो। एक ये मांझा और है चांद मियां, ये देखिए 12 की मिल नहीं पाई हम लोग। ये देखिए चांद मियां मांझा, ये देखिए 6 रील में भी देखिए यूज करते हैं। जो लोग कहते हैं कि 6 रील में मांझा यूज नहीं करना चाहिए, मांझा अच्छा नहीं होता, वो देख लीजिए टूर्नामेंट, ये देखिए प्रोफेशनल टीम जो है 6 रील का मांझा उड़ाती है, तो आप ये देख लीजिए। और मांझा सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं होता ना कि 6 रील का अलग होता है, ये देखिए, तो आप ये जान लीजिए 6 रील का मांझा सेम होता है। भाई के पास गए 12 रील का लेने के लिए, वो बोले है नहीं। अच्छा, तो हम लोग को 6 रील का ठीक दिखा तो हम लोग ने ले लिया। हालांकि 6 रील में आने लगा तो ये भी अच्छा है कि अगर मान लीजिए आपका बजट कम हो तो आप अच्छे मेकर का मांझा ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए 6 रील में ये मांझा चांद मियां का, ये भी अंडर 2 ए होगा मेरे ख्याल से, ये आपका ये 1700 रुपए तक का होगा 12 रील में, ये मेरे ख्याल से 8-850 का, 8-850 में आपको 6 रील मिल जाएगी चांद मियां का। अब बढ़ते हैं पतंग की ओर, कुछ सेलेक्टिव पतंग दिखा दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं कि ये देखिए जो पहली पतंग आ रही है वो है अंशु रेशु काइट मेकर,
ये देखिए, एक नए मेकर हाथ में लगे हैं आज, ये देखिए ये देखिए, बहुत प्यारी पौनी है, मांगदार है, हम लोग इसे दोबाज भी कहते हैं। ये किस रेंज की पतंग होगी भाई? 22 रुपए की देखिए पतंग है, बहुत प्यारी पतंग बनाई है। ये लीजिए दूसरी दिखा दीजिए, रेहान पतंग हो रहा ना, काशिफ भाई का पतंग घर पे छोड़ देते हैं। ये देखिए आगे है रेहान काइट मेकर, ये देखिए, ये कहाँ की है भाई? ये भी मनीष भैया की, मुरादाबाद के मेकर, कहाँ के हैं ये? ये मेकर भाई हमको नहीं पता है जी, कहाँ के, मुरादाबाद के हैं, इनका जो है पतंग देखा। अच्छा, रेहान काइट मेकर, ये देखिए, हालांकि इनकी पतंग मैंने पहले भी स्टॉकों में देखी है, काफी लचीली पतंग होती है इनकी, हल्की भाग दौड़ के लिए अच्छी होती है। वो दिवाज वाले का जे अंसारी के पतंग है। ये देखिए और मांगदार आ गई, ये देखिए ये है जे अंसारी जी की पतंग, ये देखिए, ये क्या रेंज की होगी भाई पतंग? ये 22 22 रुपए की। ये देखिए भाग दौड़ के लिए बहुत प्यारी पतंग है जे अंसारी जी की, उसमें हल्की सी गुटाई भी देखी की है, ये देखिए क्रॉस अगर आप देख सकते हैं धूप में आपको दिख रहा होगा, क्रॉस बहुत हल्की गुटाई की गई है इसमें। गुटाई से ये फायदा होता है कि जो पतंग जोड़ होते हैं वो निकलते नहीं है, गुटाई का ये फायदा होता है। ये उस्ताद शब्बू, उस्ताद शब्बू, ये मुरादाबाद वाले अपने शब्बू भाई, ये देखिए इनकी काफी पतंग मेरे पास रखी हुई है, पर हम अपना बैग लाए जो हमारे इंटरनेशनल से लड़ाते हैं शब्बू भाई, उन्हीं की पतंग, ये देखिए हमारे शब्बू भाई है जो हमारे इंटरनेशनल से लड़ाते हैं प्रयागराज से, ये देखिए उनकी पतंग है, ये देखिए उस्ताद शब्बू नाजिम काटमेकर। जैसे कि शब्बू भाई सब जानते हैं कि बहुत अच्छे पतंगबाज है, और उनकी पतंग आप देख लीजिए, जैसे पतंगबाज है और उनकी पतंग भी एक नंबर की, जैसे वो प्लेयर एक नंबर के वैसे उनकी पतंग आप देख लीजिए। तो शब्बू भाई की पतंग जो भी लेना चाहता है एक बार ये देखिए इनका दिखा देते हैं, आप उनका नंबर देख लीजिए। दोस्तों ये थी KGF 2 की टीम, और देखिए जैसे कि हवा नहीं थी और फिलहाल अब हवा आ गई है, और सारी टीम ये देखिए अपनी अपनी पोजीशन ले ली है लड़ाने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो KGF 2 लड़ाते रहिए और जीत के आइएगा। और एक बार बोल दिए भाई सब सब्सक्राइब कर दो काइटबाजी को, भाई सब्सक्राइब कर दो काइटबाजी को, ठीक, सब्सक्राइब कर दो।